हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोग 67 बीपीएससी के लिए स्टार्ट किए थे मैथ का सीरीज, जो घटना चक्र की बुक से हम लोग कर रहे थे, इसमें जो है हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे, जो 10-10 क्वेश्चन का पार्ट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बना हुआ है। अगर आप उसको प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में वीडियो जाके इसको देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 5 करेंगे, जिसमें हम 41 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक व्यापार में ए 76,000 रुपये निवेश करता है, कुछ माह पश्चात उससे बी 57,000 रुपये के साथ जुड़ता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 2:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी कितने माह उपरांत जुड़ा था। देखिए इसको बनाएंगे कैसे। देखिए ए और बी दो व्यापारी है। ए जो है कितना निवेश करता है 76,000 और बी करता है 57,000। ये दोनों का रेशियो कितना आता है, देखिए 3 जीरो यहाँ से कटा देंगे, ठीक है। ए और बी का हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो यहाँ से अगर 19 से कटाते हैं ये 4 बार में जाएगा, और 19 से इसको कटाते हैं तो ये 3 बार में जाएगा। तो ए और बी का रेशियो जो निकला है 4:1, और बोल रहा है क्या कि ये 12 महीने के लिए करता है व्यापार, ठीक है। और ये जो कितना महीने बाद ये जुड़ता है, तो मान के चलिए कि 12 महीने के लिए ये जुड़ता है, एक्स महीने बाद ये जुड़ता है, तो 12 में इसका रेशियो कितना आ गया, 4:3 आ गया, ठीक है। और बोल रहा है क्या कि वर्ष के अंत में, तो ये जो है 12 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। और बी जो है कुछ महीने बाद जुड़ता है, तो मान के चलते हैं कि वो एक्स महीने बाद जुड़ता है, ठीक है। ये 12 - x हो जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर, दोनों का रेशियो जो दिया है 2:1 दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि इसका ए और बी का रेशियो क्या था, 4:3 था, और ये कितना महीने के लिए जुड़ रहा था, 12 महीने के लिए, और ये जुड़ रहा था कितना महीने के लिए, 12 - x, ठीक है। ये 12 - x है, ठीक। इसका रेशियो जो दिया हुआ है 2:1 के रेशियो में दिया हुआ है। इसको बनाएंगे कैसे, देखिए 12 × 4 कितना हो गया, 48 अपौन कर देते हैं 3 × 12 - x, ठीक है। और इसका दिया हुआ है कितना रेशियो, 2:1, ठीक है। अगर 2 से इसको कटाते हैं तो कितना बार में जाएगा, 24 बार में, ठीक है। और 3 से इसको ऊपर कटा देते हैं तो 8 बार में जाएगा, ठीक है। तो हो गया कितना, देखिए कैलकुलेट करेंगे, इधर हो गया मेरा 12 - x इक्वल टू हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा, तो ये x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 4। तो मेरा क्या निकला कि b जो है 4 महीने बाद निवेश करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर। क्या है 42 नंबर, देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको जोड़ना है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बोल रहा है कि संख्या 100 से 999 तक 9 कितनी बार आएगा, तो देखिए 100 से 200 के बीच जो है 9 टोटल 20 बार आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, या तो आप मौखिक कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 100 से 200 के बीच 20 बार आता है, तो 100 से लेके 899 तक 9 कितना बार आएगा, ये हो जाएगा मेरा 160 बार, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, 899 तक हम लोग निकाल लिए। अब देखते हैं कि 900 से लेके 990 तक 9 कितनी बार आएगा, तो 900 से लेके 990 तक जो है 9 टोटल आता है 101 बार, ठीक है। उसके बाद हमको देखना है कि अब जो है 999 से लेके 999 तक 9 कितनी बार आएगा, तो 991 से 999 तक 9 जो है 19 बार आता है। तो आप इसको अब जोड़ दीजिए सिंपली कि टोटल कितना बार 9 आएगा। तो पहला कितना निकला, पहला निकला है मेरा 160, उसके बाद निकला है 101, उसके बाद निकला है 19। टोटल अगर जोड़ेंगे 160 हो गया, प्लस 101 हो गया, प्लस 19 हो गया, ये जोड़ के आ जाएगा मेरा कितना, टोटल 280, ठीक है। तो
आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये दिया गया है चार, फोर अपॉन दिया गया है क्या नाइन पे, करनी घात कितना है थ्री, माइनस अंडर रूट थ्री पे करनी घात थ्री है प्लस वन। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला पे बेस्ड है। फार्मूला क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, इसको इसी पे बनाएंगे, इसी पे इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। हम चार को जो है हम लिखेंगे थ्री प्लस वन, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम इसको लिख देते हैं तीन का स्क्वायर नौ हो गया, इस पे हम पावर दे देते हैं वन बाय थ्री। ठीक है, माइनस तीन पे पावर यहाँ पे वन बाय थ्री कर देते हैं, ठीक है, प्लस वन कर देते हैं। अब देखिए तीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, तीन को जो है हम इस पे पावर वन बाय थ्री कर देते हैं, इसका होल पावर हम थ्री कर देते हैं, तो थ्री से थ्री कट जाएगा, तीन पे पावर वन तो तीन ही होता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से वन को लिखेंगे, वन पे पावर वन बाय थ्री कर देते हैं, इस पे पावर थ्री कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, वही फार्मूला लाने के लिए, ए क्यू, अगर ये ए है ये बी है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे ठीक उसी तरीके से लिखेंगे, तीन को वन बाय थ्री को अंदर ला देते हैं, तीन पे पावर वन बाय थ्री और इस पे जो है स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर को जो ऊपर बाहर कर दिए और वन वन बाय थ्री को अंदर कर दिए। ठीक है, उसी तरीके से तीन के पावर जो है वन बाय थ्री रहने देते हैं। ठीक है, और इसको जो है यहाँ पे जो है प्लस जो है वन पे पावर वन बाय थ्री, ठीक है, कर देते हैं और इस पे होल पावर स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, वन का वैल्यू तो वन ही, वन पे पावर वन बाय थ्री देगा तो वन ही आएगा, इस पर स्क्वायर भी करेंगे तो वन वन ही आएगा, तो वन का कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला बन जाता है, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, ये आ जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला। तो देखिए अगर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला हम लिखेंगे तो ऊपर आ गया क्या मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू, और नीचे आ गया मेरा क्या ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो है अगर इसको ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिखेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या मेरा ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी जो बचेगा तो ए का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या निकला था मेरा, तीन पे पावर वन बाय थ्री निकला था, और प्लस बी का वैल्यू जो निकला था वन था, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये, समझने वाला है, अगर आप समझ में नहीं आया तो आप बैक करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी व्यक्ति के मूल वेतन 77,000 रुपये पर महंगाई भत्ता जो है 125% से बढ़ाकर 132% होता है, तथा कर कटौती जो है दोनों पर 20% से बढ़ाकर 22% होती है, तो उसको वेतन कितना बढ़ा हुआ मिला। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसका मूल वेतन जो है कितना है 7,700 रुपया। ठीक है, तो अगर अगर पहला महंगाई भत्ता जो 125% मिलता है, तो मूल वेतन पे 125% बढ़ के महंगाई भत्ता मिलेगा, तो देख लेते हैं कितना मिलता है, प्रारंभिक वेतन कितना हो गया, 7,700 का 125% पहले निकाल लेंगे। ठीक है, 125% निकालेंगे तो ये निकल के मेरा आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा 9625। ठीक है, ये मेरा प्रारंभिक वेतन मिल गया। अब निकालेंगे कि इसको बढ़ा के कितना मिल रहा है, 125 से बढ़कर हो जा रहा है कितना 132%, तो फिर 7,700 का 132% निकालेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा कितना, ये आ जाता है मेरा 10,164 रुपया। ठीक है,
हम दोनों वेतन निकाल लिए, एक 125% पे निकाल लिए और एक दूसरा 132% पे निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे। अब बोल रहा है कि दोनों वेतन मिला के जो है पहले 20% कट टैक्स कटता था, अब जो है 22% कटता है, तो पहले कितना मिलता होगा टैक्स कट के, तो 7700 ये हो गया मूल वेतन, और ठीक है, और बढ़ा हुआ वेतन जो है 125% जब इसमें महंगाई भत्ता मिलता था तो वो कितना हो जाता था 9625, ठीक है। ये टोटल मेरा कितना हो गया, ये टोटल हो गया मेरा 17325, ठीक है। इसका जो है हम पहले निकाल लेते हैं कि मेरा वेतन कट के कितना मिल रहा है, इसका हम 80% निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 20% तो मेरा कट रहा है टैक्स, 80% जब निकालेंगे तो ये निकलेगा 13860 रुपया, ठीक है। अब 13860 रुपया निकल गया, इसको रहने देते हैं 13860 रुपया, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा 7700 तो मूल वेतन रहेगा ही, ठीक है, इसमें महंगाई 132% पे कितना निकला था 10164 रुपया, ये टोटल कितना हो जाता है, ये हो जाता है 17864 रुपया, ठीक है। इस पर हमको मिल रहा है कितना, 22% टैक्स कट रहा है, तो मिल कितना रहा है 78%, ठीक है। 78% अगर इसका निकालेंगे तो ये निकलता है 13933 रुपया और 92 पैसा, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए पहला मेरा कितना निकला था, पहला निकला था मेरा टैक्स कट के कितना हमको मिल रहा था 13860 रुपया, और दूसरा मेरा निकल रहा है कितना 13933 रुपया 92 पैसा, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों में कितना अंतर है, तो दोनों का अंतर अगर निकालिएगा, इसमें इसको घटाइएगा, ठीक है, तो निकलेगा ये क्या 73 रुपया 92 पैसा, ये आंसर हो जाएगा। 73 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, खाली कैलकुलेशन करना और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर है, ए बी सी किसी व्यापार में 20 लाख रुपये 7:2:1 के अनुपात में लगाते हैं, कुछ लाभ कुल लाभ जो है 18% होता है, ए को जो है 30% तथा बी को 20% चुकाना पड़ता है, और ए का शुद्ध लाभ बी के शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसका 18% हमको जो है लाभ होता है, तो इसका 18% कितना हो जाएगा, 18% हो जाएगा 18 × 36 पे कितना 40, ताकि 20 ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा, ये मेरा टोटल लाभ हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा, तो यहाँ से हम ए का हिस्सा निकालेंगे, तो टोटल लाभ कितना हो रहा है हमको 36000 नहीं, ये हो गया इकाई दाई सिकरा हज़ार 10000 लाख हो जाएगा। ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, कि ए का हिस्सा अनुपात में कितना है 7, ठीक है, टोटल कितना है 10, ए का हिस्सा कितना निकल के आ जाएगा, अगर इसको 10 से कटाएंगे तो ये 0 ख़त्म हो गया, और 36 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 252 पे हो जाएगा 30, ठीक है। ये हो गया मेरा ए का हिस्सा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बी का निकालेंगे, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 36 लाख का कितना 2%, अनुपात कितना है 2 है इसका, 2/10 निकालेंगे, ये निकल जाएगा 36 × 72 72000 हो गया, ए और बी निकल गया, और सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 36 लाख का ये हो जाएगा 1/10, तो ये 36000 ही निकल जाएगा, ठीक है, 36 पे 30, तो ये हो गया ए और बी और सी का, हम तीनों का हिस्सा निकाल लिए। अब बोल रहा है कि शुद्ध लाभ कितना होता है, तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ से जो है मेरा निकल गया, तो ए का हिस्सा कितना था, ए का हिस्सा था 252 पे 30, इतना ए का हिस्सा था, और उसको टैक्स कितना चुकाना पड़ रहा है, ए को टैक्स चुकाना पड़ रहा है 30%, तो इसको मिलेगा कितना 70% मिलेगा, ठीक है। ए को मिलेगा कितना, अगर 70 से 20 ये ख़त्म हो गया, ठीक है, अगर 252 × 7 करेंगे ये आएगा 176
4400। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये टाइम बचाने के लिए हम जो है डायरेक्ट हम कैलकुलेट करके बता रहे हैं आपको। ठीक है, ये हो गया आपका कितना, ए का हिस्सा हो गया, ये टैक्स काट के मिलेगा। अब बी को कितना मिलेगा, बी का हिस्सा कितना था मेरा, बी का हिस्सा था मेरा 72,000। अब बी टैक्स कितना दे रहा है, बी टैक्स दे रहा है 20%, इसको मिल रहा है कितना, तब 80% मिलेगा। ठीक है, 80% नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा कितना, 57,600 मिलेगा बी को। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रतिशत में कितना अधिक मिलेगा, ए का शुद्ध लाभ जो है बी से कितना अधिक है, तो ठीक है तो इसका अंतर क्या हो जाएगा। देखिए ए का कितना निकला था मेरा, ए का निकला था शुद्ध लाभ कितना निकला था, ए का 17,000 1764,000। ठीक है, और बी का निकला था मेरा शुद्ध लाभ कितना, 57,600। ठीक है, इसका डिफरेंस हम करेंगे, ये 0,0 हो जाएगा, 14 में 6 गया 8, 6, 14, यहाँ पे बचा 15, 15 में 7 गया 8, 7, 15, यहाँ पे बचा 6, 6 में 5 गया 1। ये मेरा शुद्ध लाभ जो है ए और बी का डिफरेंस निकल गया। और बोल रहा है क्या कि कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए जो है 18,800 अधिक है बी से। ठीक है, तो कितना परसेंट अधिक हुआ, तो यहाँ से हम जो है भगा दे देंगे, 18,800 × 100 upon 57,600। ठीक है, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो लगभग ये आज आ जाता है 206.25%। ठीक है, इतना ए अधिक है बी से। ठीक है, ऑप्शन इसका नहीं है, कोई मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैथ नहीं फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया है इसमें। देखिए कह रहा है क्या कि एक सिक्का जो है 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से ज़मीन से ऊपर उछाला जाता है, तो इसका ये निम्न ऊंचाई तक उठेगा। देखिए इस एक फार्मूला होता है फिजिक्स में, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है, तो भी जो दिया हुआ है, भी जो मेरा भी होता है अंतिम वेग, यू होता है प्रारंभिक वेग, जी हो गया ग्रेविटी और एच हो गया हाइट। ठीक है, तो अंतिम वेग जो हो तो होगा मेरा जीरो होगा। ठीक है, यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 9.8, इस पर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2, जी का वैल्यू दिया हुआ है ग्रेविटी कितना होता है 9.8। ठीक है, जी का मान होता है, और ऊँचाई मेरा निकालना है, ऊँचाई दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो देखिए H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा, अगर इसको हम इधर ला लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 9.8 पे स्क्वायर अपॉन हो जाएगा कितना 2 × 9.8 से एक एक कैंसिल हो गया। ठीक है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना 4.9 मीटर। ठीक है, ये आंसर 4.9 मीटर आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर है कि पानी की एक टंकी के तल में दो छेद ए तथा बी है, केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है तथा केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में खाली होती है, यदि 10 मिनट तक दोनों छेद को छेद खोलकर बी को बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ए जो है कितना देर में खाली करता है 30 मिनट में, और बी जो है इसको 20 मिनट में खाली करता है, तो दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, इफिशेंसी क्या हो जाएगा इसका 30 × 60 और 20 × 60। तो देखिए अगर ये 30 मिनट में टंकी खाली कर रहा है तो एक मिनट में कितना लीटर खाली कर रहा है, दो लीटर, और ये अगर ये 20 मिनट में टंकी खाली कर रहा है तो ये एक मिनट में कितना टंकी खाली कर रहा है 3 लीटर। ठीक है, तो दोनों मिला के जो है ए प्लस बी जो है टोटल 5 लीटर खाली कर देता है एक मिनट में। अगर वो 10 मिनट तक दोनों को खोल दिया जाए तो 10 मिनट तक दोनों को खोल दिया जाए तो कितना खाली कर देगा, 10 50 50 लीटर ये खाली कर देगा। ठीक है,
उसके बाद क्या करता है, छेद बी को बंद कर दिया जाता है, बी को बंद कर दिया जाता है। भरना खाली कितना करना है, टोटल क्षमता कितना टंकी का 60 लीटर, उसमें 50 खाली हो चुका है, अब बचा कितना 10 लीटर, और इसको खाली करेगा कौन, बी तो बंद कर दिया, खाली करेगा कौन, ए, ए का एफिशिएंसी कितना है 2, इसको टाइम कितना लग जाएगा, 5 मिनट यहाँ पे लगेगा, 2×5=10, 5 मिनट यहाँ पे लगेगा, तो इसका बोल रहा है टंकी खाली करने में कुल कितना समय लगेगा, तो पहले 10 मिनट लगा था दोनों को, ए और बी जब खुला था, उसके बाद बी को बंद करने के बाद ए को लगा कितना 5 मिनट, टोटल कितना लगा 15 मिनट, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर 15 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना, तो देखिए आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है, 9 हो गया, एक्स स्क्वायर है, तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2/3, इस पर स्क्वायर हो जाएगा, -3, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2/3, और यहाँ पे हो जाएगा -11, ठीक है, 11 हो गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9×2 पे स्क्वायर हो गया 4, नीचे हो गया 9, माइनस प्लस हो जाएगा, 3×3 ये कैंसिल, यहाँ बचा क्या 2 -11, ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ से 9×9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ऊपर क्या बचा 4 बचा, ठीक है, यहाँ पे 2 बचा -11, तो टोटल 4×2 6, और 6 में -11 घटा तो क्या आ जाएगा -5, खाली गुना करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी अथवा इतिहास अथवा दोनों लेता है, ठीक है, 66% हिंदी कौन कितना ले रहा है, हिंदी ले रहा है 66%, ठीक है, और इतिहास जो ले रहा है हिस्ट्री जो ले रहा है कितना ले रहा है 59%, ठीक है, तो बोल रहा है कि कुल उम्मीदवार जो है 3000 था, तो उम्मीदवार दोनों विषय लेने वाला उम्मीदवार कितना है, तो देखिए टोटल तो 100% होता है, तो अगर हम 66% प्लस 59% को हम जोड़ दें तो ये आ जाता है कितना, मेरा ये टोटल हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 125, ठीक है, इसका मतलब है टोटल होता है कितना 100% होता है, यहाँ पे आ रहा है कितना 125%, इसका मतलब है 25 जो है दोनों में कॉमन है, 25% बच्चा जो है हिंदी और हिस्ट्री में दोनों में कॉमन है, ठीक है, तो अब बोल रहा है कि दोनों में कॉमन विद्यार्थी कितना है, तो हिंदी और इतिहास दोनों के लिए कितना विद्यार्थी है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है मेरा 3000, इसका 25% दोनों विद्यार्थी दोनों पढ़ता है विषय हिंदी और हिस्ट्री दोनों पढ़ता है, तो कितना आ जाएगा 200 खत्म, 25 या 75, 750 बच्चा जो है हिंदी और हिस्ट्री दोनों पढ़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें देखिए 50 नंबर क्या कर रहा है, इसका जो है अंडर रूट निकालना है, तो देखिए यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो 4×0 = 1225 है, यहाँ पे 4×0 = 53 है, ठीक है, अगर पॉइंट से हम पॉइंट उड़ा देते हैं, ठीक है, और 4×0 = 4×0 उड़ा देते हैं, तो बचता क्या है, मेरा बचता क्या अंडर रूट 1225/53, ठीक है, तो देखिए अगर ऑप्शन से बनाना चाहे तो हम कभी भी 525 का स्क्वायर जो होता है 1225 नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया, 135 का भी स्क्वायर कभी भी 1225 नहीं, ये भी गलत हो गया, 205 का स्क्वायर कभी भी 1225 नहीं होगा, ये भी गलत हो गया, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा 35/73, आप यहाँ से बना सकते हैं, या तो इसका अंडर रूट आप निकाल के इसको कर सकते हैं, ये होता है 35×35 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और ये होता है 73 का स्क्वायर, ठीक है, अगर अंडर रूट है इस पर अंडर रूट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 35/73, ठीक है। यहाँ तक मेरा जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर कुछ भी ये समझ में नहीं आए तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने का, हो सकता है थोड़ा कैलकुलेटिव है आज का सेट, तो हो सकता है कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आए, अगर जहाँ समझ में नहीं आए आप लोग ज़रूर पूछिएगा, ठीक है।